नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, LDM लेट डाउन ऑफ मिल्क। जो भी पशुपालक भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस प्रोडक्ट को जरूर मंगवाइए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अनेकों फायदे हैं। अगर आपका पशु दूध नहीं उतारता है तो 200 ml उसको प्रतिदिन रोज आपको पिलाना है, 100 ml सुबह, 100 ml शाम को। अगर आपके पशु का बछड़ा या बछड़ी मर जाता है और वो दूध देना बंद कर देता है तो सुबह शाम उसको 100 ml पिलाइए, वो दूध देना शुरू कर देगा। यदि आपके पशु को थनेला रोग हो जाता है, उसके थनों में दिक्कत आ जाती है और उसके बाद भी वो दूध नहीं उतारता है तो भी ये प्रोडक्ट बहुत उपयोगी है। पशुओं की अनेकों बीमारी के लिए तरल पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस पे लिखा है, दूध उतारने, दूध बढ़ाने, दूध का फैट बढ़ाने, अच्छे पावस के लिए अद्भुत जड़ी बूटियों से बना तरल पशु खुराक मिश्रण है। सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और घर बैठे ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास मंत्री देखने वाले सारे भाइयों ने गुरमीत कवि के हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है दोस्तों। लगातार वीडियो आने लग रही है, सिरसा में खड़े हैं, बिल्कुल गाँव रूपावास है, एक बहुत बढ़िया फार्मर, बहुत बढ़िया पशुपालक है, मुर्रा की खान का तो अतिशोक्ति नहीं हो गया, जसली काले मोती कह लो, नगिन्ने कह लो, आपा कुछ भी संज्ञा देश का हाँ, आज खड़े हैं गांव रूपावास में देवेंद्र भाई पुनिया साहब के पास। बहुत अच्छे पशुपालक हैं, ऐसे ऐसे पशुपालक बिल्कुल जो वीडियो नहीं बनवाते, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन आज भाई ने संपर्क किया, वीडियो बनवाई और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के पशुधन आप लोगों को दिखाएंगे। सारी बातें पुनिया साहब से जानकर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। टेम्परेचर पूरा ये 3 बज रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़िया है। पुनिया साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। एक बार दर्शकों को राण दो, सारे दर्शक भाइयों को भी राम राम मेरी हाथ जोड़ के और आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इतने दिन हो गए कि छुप रहे थे, इतने बढ़िया बढ़िया पशु और मतलब कोई वीडियो निकली इंस्टाग्राम पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। भाई साहब मैं खेतीबाड़ी का काम है, मैं अकेला बंदा हूँ। कितनी खेती कर रहे हो? खेतीबाड़ी है, घर की जमीन है, 40-45 किले करीब जमीन है अपने पास। ठीक ठीक, उन्हीं खेती करती हूँ। खेती भी और साथ में पशुपालन भी। हाँ साथ में पशुपालन, एक अकेला बंदा हूँ, दूसरा भाई है उसका अलग फील्ड है, वो एडवोकेट है। अच्छा अच्छा, वो वकील साहब है। ठीक 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 ठीक, तो मतलब बढ़िया सिस्टम, काम बढ़िया। हाँ, काम बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें मेरे को थोड़ी परेशानी आती है, दूसरा कोई सहयोगी नहीं तो है। तो आज कितने पशुधन दिखाओगे वीडियो में, सेल के लिए बताओ? सेल के लिए 2 जोटी हैं जी। और वैसे कितने पशु दिखा रहे हो? वैसे हैं जी अपने पास 8-9 है, सारी दिखा देंगे, सारी दिखा देंगे। हाँ तो लियाओ शुरू करो, एक नंबर तक लियाओ और बताओ डिटेल। भाई देखने से पेटा भरता जी ने नुगा देखने वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन। घर की तैयार कड़ी और है पुनिया साहब, अगले का आए थे? घर की है जी, मेरी एज होगी 40+। अच्छा, मेरे पिताजी की होगी करीब 68 साल। आपकी एज देख कर लागदी कोनी, मतलब कोनी होगी 40+ की। अच्छा। एज होगी भाई साहब की। हाँ जी बोलते रहो ना। तो मैंने खरीद के लिया जी कभी? हाँ। ना मेरे पिताजी ने खरीदी है। तो मतलब जो सारा जो फार्म डेयरी फार्म है अपना, अपना घर का, घर के पशुधनों से मिलता हुआ है। हाँ जी। तो कौन सा ब्याह था जी? इसका चौथा ब्याह था जी। चौथा ब्याह था जी जोटी का? हाँ जी चौथा। ठीक ठीक ठीक, अपने पास ही शुरू था। इसकी माँ के नीचे कितना दूध था जी? इसकी माँ के उस टाइम भाई जी ये तोलने वाली रही, इतनी बात थी नहीं। हाँ तो फुल दूध था, फुल दूध था। हाँ जी, इससे भी ज्यादा था। इसके नीचे कितना है? इसके नीचे 22 किलो दूध दिया जी। 22 किलो दूध। हाँ जी। ईव कौन से ब्यात में है, कुकर के डिटेल है जी, अगर अब की मैं बात करूं? अब चौथे ब्यात में जी। हाँ अब 6 महीने की ब्याही होगी। अच्छा, इसके नीचे 22 किलो दूध दे रखे जी। हाँ जी 22 है। तो दूसरे, क्या दूसरे ब्यात में 20 किलो 120 ग्राम की लाइव मिल्किंग है जी। लाइव मिल्किंग यूट्यूब चैनल पे है? यूट्यूब पे नहीं है जी, वो बागड़ी भाई है अपने, उन्होंने चलवाई थी। कोई ग्रुप है जी, फेसबुक पेज है उनका। अच्छा, कौन? हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन। हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन का जो फेसबुक पेज है जी, उस पेज पे जोटी की लाइव मिल्किंग है जी, 20 किलो 120 ग्राम की दूसरे ब्यात की। क्या टाइम की लाइव मिल्किंग हुई थी? 4 या 5 टाइम की है शायद। 4-5 टाइम? 4-5 टाइम की है। ठीक 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 ठीक। तो इनकी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है? अब थोड़ी दिक्कत आ गई थी दूध में भी, थोड़ा नीचे रहेगी। अच्छा अच्छा। तो कभी मेले मुले में नहीं लेके गए दूध? इसको दूध वाले मेले के चक्कर में बार दिक्कत आ गई, थोड़ा ताजा भी यही थी उस टाइम। हाँ हाँ। वो अजवाइन वगैरह कुछ पीक पे लेने के लिए कहते हैं, देते हैं, मेरे को तो ध्यान नहीं था। हाँ। वो आइडिया से दिया, थोड़ी ज्यादा हो गई उसकी, मेले जल्दी लगी, कच्चा मेला डाल दिया। ठीक ठीक ठीक। हाँ। ठीक, के नाम रख रखे जोटी का? जोटी का कोई नाम नहीं भाई साहब, कोई नाम नहीं भाई साहब, इतना बढ़िया पशुधन लाइव मिल्किंग। बागड़ी भाई ने रखा था जी, रोशनी, उसको मेले में लेके गए थे एक बार, बड़ा गुड्डा मेला लगा था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसमें ये फर्स्ट आई थी 2 दांत में उस टाइम। 2 दांत में किस कैटेगरी में? 2 दांत कैटेगरी, 2 दांत कैटेगरी में फर्स्ट आई थी। ठीक ठीक, 2 दांत फर्स्ट आ रही है। कौन से गांव में मिला था? बड़ा गुड्डा लगा था जी। बड़ा गुड्डा कितनी? हाँ। दूर अपने गांव तक? अपने गांव तक करीब 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर। दो नंबर पशुधन आ गया भाई साहब, मैं नहीं तो पूरा हाथी का बच्चा ले रहे हो। हाँ जी। क्या डिटेल है, कुकर के है जी ये जी?
पांचवें ब्याह में ब्याहेगी अभी। पांचवें ब्याह में बच्चा देगी। कितने दिन रह रहे बहन के? ब्याहने के इसके जी 21 तारीख को दिन पूरे हो जी। घुमाते रहो जी 21 तारीख को। हाँ जी हाँ जी। आज वीडियो बनने लग रही है 2 जुलाई को। हाँ जी। कितना के दूध दे रही है जी वैसे? दूध 2300 किलो दूध दिया जी इसने। यार ये दिखा भाई साहब, दूध देने वाला पशुधन भाई, जिन्हों का आ रहा ना फुल बॉडी वेटर, जिन्हें अडर क्वालिटी का आ रहा, जिन्हें लेवटी का आ रहा, जिन्हें लेवा का आ रहा है, वह चीज आप इस पशुधन में देख सको। चौड़ा पीठ पुट्ठा, बहुत गजब का पशुधन। अब की बार सिमन कौन सा रखवा रखा है जी? सिमन ने अब की बार अच्छा एक भाई कोई दोस्त के पास बोल रहा है उससे करवाइए जी। इसकी माँ के नीचे कितना दूध था? इसकी माँ के नीचे भी दूध अच्छा था जी। वो पहले ब्यांत में 16 लीटर था, दूसरे ब्यांत में सेल कर दी। दूसरे ब्यांत में सेल कर दी थी। तो इसका भी कड़ी लाइव मिल्किंग वगैरह? लाइव मिल्किंग है जी इसकी, शुरुआत इसी से करवाई थी जी। अच्छा। दूसरे ब्यांत का 19 किलो 910 ग्राम है लाइव में, उसी पेज पे जी। उसी पेज पे दूसरे ब्यांत का 990 थी या 910 थी? कितना किलो बताया, दोबारा बताओ जी। 19 किलो 990, पता नहीं 910। 19 किलो 990। हाँ जी। ग्राम इसने फेसबुक पेज हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन के फेसबुक पेज पे दूसरे ब्यांत में रिकॉर्ड, दूसरे ब्यांत में रिकॉर्ड है। खुद कौन से उसकी है? HLDB की रिकॉर्डिंग है जी इसकी, 22 किलो के समथिंग है। HLDB में? हाँ जी HLDB में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। ले भाई ऐसे ऐसे पशुपालक छुपे पड़े हरियाणा में देख लो, बिल्कुल है। HLDB में इस भैंस का भी दूध रिकॉर्ड है। अर्जुन कह रहा है फुल भैंस, ये वो भैंस है भाई, वो कह रहा है इसकी भैंस असली भैंस। आज वीडियो में देखने लाग रहे हो। इब की बार कौन सा सीमन रखवा रखे है इसका बताओ? बुल से जी। बुल से है, डायरेक्ट क्रॉस में? हाँ डायरेक्ट क्रॉस। इसका भी कुछ नाम नुम रख रखा है? नाम कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं भाई साहब, इतने बढ़िया पशुधन ले रहे पुनिया साहब। नाम जोड़ा में जाने का टाइम ही कौन लगा भाई? अच्छा अच्छा, इतना है। हाँ ये 4383 की है ये, खुद है। हाँ खुद पीसी, खुद है जो 4383 की है। अब की बार बुल से डायरेक्ट क्रॉस करा रखी है। HLDB में 22 किलो रिकॉर्ड करा रखा है। और हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन के फेसबुक पेज पे सेकंड ब्यात में 1980 ग्राम लाइव पे पड़े है। ये पांचवें ब्यात में बच्चा देगा? पांचवें ब्यात में। कितने तारीख दिन पूरे होंगे? 21 तारीख को जी। 21 तारीख के दिन पूरे होंगे, 2 जुलाई आज वीडियो बनने लगे, ठीक 19 दिन के बाद। यही बात है जी। हाँ जी। बंद हो जी, अगला पशुधन ले जाओ। 3 नंबर पशुधन आ गया, क्या डिटेल है भाई साहब? बहुत अच्छी क्वालिटी की झोटी है ये। झोटी है जी, 2 दांत है जी ये। 2 दांत है मेरी मानो, इन्हें बांध लो। क्यों अंकित? क्या कुछ डिटेल है जी देवेंद्र जी? इसकी माँ तो 1 नंबर वाली है जी, वो खुद युवराज की है, बताना भूल गया मैं। अच्छा अच्छा, जो 1 नंबर पे वो पशुधन आपने दिखाया था जिसका रोशनी नाम बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी। घुमाते रहो जी, ठीक है। 1 नंबर जो पशुधन अपन दिखा उसका, वो खुद युवराज की है। हाँ जी हाँ जी। और ये किसकी है फिर? ये PC 574 की है जी, सरकारी। PC 574 की, प्रेग्नेंट हो चुकी है? हाँ प्रेग्नेंट है जी। कितना टाइम रहता है बच्चा देने में? बच्चा देने में भी 4 महीने करीब है जी। 4 महीने के करीब। हाँ, कौन सा सीमन रखवा रखा है? सीमन इसको है जी हरियाणा गवर्नमेंट का 1077 गुड़गावा का सिमन रखवा रखा है। रोशनी की बेटी है जिसका हरियाणा मुर्रा एसोसिएशन फेसबुक पेज पे लाइव मिल्किंग पड़ी है। हाँ, और जो रोशनी है वो युवराज की बेटी है। हाँ जी, हाँ, यही बात है ना बाबूजी? हाँ, और ये खुद कौन से की बताई आपने? ये PC 574 की। PC 574 की ये बच्ची है भाई। और जो अब की बार इसका सिमन रख रखा है वो 1077 गुड़गांव वाले का रख रखा है। यही बात है। इसका नाम रख रखा है जी कुछ? नहीं जी नाम कुछ नहीं। तो यह सेल में है? कैसे है? नहीं जी सेल के लिए नहीं है। ये पशुधन सेल के लिए नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन है भाई। एक बार अंकित दाऊ दिखा दिए, अगला ले आओ जी बांध दो। तो 4 नंबर पशुधन आ गया भाई साहब, क्या डिटेल है दुनिया साहब? ये जी लाडला बुल्की है, खुद लाडले बुल्की। हाँ, बेटी है। दूसरे ब्यात में जी, दूसरे ब्यात में। हाँ, मदर की साइड जी? मदर है इसकी हरियाणा गवर्नमेंट की थी जी। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट की। उसका नंबर मेरे को ध्यान नहीं है जी, नंबर उसका ध्यान नहीं है। कितने दिन रहते हैं जी ब्याने के? इसका बस ब्यात है जी करीब इसका 11 तारीख को। 11 तारीख को, यानी 9-10 दिन बाद दिन पूरे हो जाएंगे। और पहले ब्यात में कितना दूध दिया जी? पहले ब्यात में जी दिक्कत में आ गई थी थोड़ी, 11-12 लीटर में रहेगी। 11-12 इब का क्या है पुनिया साहब? कितनी बार पूरा देगी जी? इसकी माँ का बहुत बढ़िया दूध है जी, वो भी खड़ी है अभी मेरे मित्र के पास है। अच्छा। हाँ, 8-9 बार ब्याली वो। कितना रिकॉर्ड है इसकी माँ का? इसकी माँ का रिकॉर्डिंग वैसे नहीं करवा पाए। हाँ। पर बहुत अच्छा दूध है जी, 22 से प्लस ही है। 22 प्लस। हाँ जी, उसकी अब फोटो है अपने पास, आप दिखा दें। सिमन की अगर मैं बात करूँ, कौन सा सिमन? ये लाडला बुल के जी, खुद तो लाडले बुल के रखवा। कौन सा रखा है इसके जी? इसके ओ अभिमन्यु का जी। अभिमन्यु? हाँ, चौधरी वास का है अभिमन्यु। चौधरी वास अभिमन्यु जो बुल है उसका सीमन रखवा रखा है। 8 से 9 दिन डिलीवरी के रह रहे हैं। अच्छे 22 प्लस के मदर मिल्क रिकॉर्ड की, खुद लाडले बुल की बेटी है। यही बात है जी। पुरानी धारपुसा के साथ पहले बढ़िया था जी,
कितने टाइम के बाद इटम आ गई थी? इटम जल्दी आ गई, 12 महीने में ब्याज आएगी। 12 महीने में ब्याज आएगी, ठीक ठीक ठीक। के कुछ मोल तो लोगे पुनिया साहब? इसका जी रेट तो अच्छा ही होगा जी, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए घुमाते रहो जी, पशु न रोको मत। 3.5 लाख रुपए कीमत होगी भाई, लाडले बुल की बेटी है और हरियाणा गवर्नमेंट इसका में इसकी मदर का जो मिल्क है वो रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं, 22 प्लस इसकी माँ का मदर मिल्क रिकॉर्ड है। साथ में जो बता रहे थे अभी मनु चौधरी वास का सीमन रखवा रखा, यही बात है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। पहले ब्यात में थोड़े से दिन के बाद इटमा आ गई थी। हाँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन अंकित भाई, थना का साइज, थना का डिस्टेंस और अडर क्वालिटी एक बार दाऊ दिखा दिए पशुधन की, चौड़े पीठ पुट्ठे की, गोल सिंह की, बहुत अच्छे बॉडी वेट की जोटी आप सभी के सामने। गांव रूपावास है ना जी? हाँ जी, रूपावास। गांव रूपावास में पूरी गर्मी में भाई पुनिया साहब भी पूरा तंग हो रहा है। तो कितने पैसे बताए जी? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए कीमत होगी जी। बांधो ये सींग कुकर तड़वाया पुनिया साहब? ये सींग जी बस परसों थोड़ा लेट हो गए, लापरवाही में तुड़वा लिया जी। जोटी बड़ी अच्छी है, कौन से दिल्ली बांध ली थी जी। क्या फादर लाइन है जी? फादर है इसका जी, घुमांदे रहो जी, LDF कोहिनूर। LDF कोहिनूर है। हाँ जी, हाँ जी। पहले ब्याह में कितना टाइम रहता है बहने का? अब इसका जी 4 महीने की गाबण है जी, 4 महीने की प्रेगनेंट है। माँ का मदर मिल्क रिकॉर्ड की बात करा जी? मदर वो है जी दूसरे नंबर पे जो दिखाई थी जी, जो इस दूसरे नंबर पापा ने दिखाई थी, हैवी भैंस है वो, हैवी भैंस थी जो वो है इसकी। कितना रिकॉर्ड था उसका? उसका जी 22 प्लस ही था जी। अच्छा, 22 प्लस मदर मिल्क रिकॉर्ड की, जो दो नंबर पापा ने भैंस दिखाई ये उसकी बेटी है। फादर लाइन की साइड से अगर बात करा, कोहिनूर LDF बुल की बेटी है। और कौन सा सिमन रखवा रखे जी अब की बार? इसको सिमन, इसको बुल से कराया जी। कौन सा बुल? सिमन से रुकी नहीं, बढ़िया बुल है। हाँ, बढ़िया बुल है जी, ऐसे तो करवाते नहीं जी। ठीक ठीक हाँ, ठीक तो पूरा ध्यान वैसे भाई साहब ब्रीडिंग पे ध्यान दिया है ब्रीडर। हाँ जी बिल्कुल ही, मतलब फिर इससे पहले वीडियो क्यों नहीं बनवाई? पहले वीडियो वाडियो जी टाइम ही नहीं मिलता सर, इतने अपने नजदीक कोई भाई है नहीं बनाने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, दूर एक दो बार संपर्क भी किया, एक बार फौजी साहब से किया, एक बार सुरेंद्र सनसनीवाल से किया। हाँ हाँ, तो वो आगे पीछे टाइम की एडजस्टमेंट नहीं हुई। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा हो जाता है कई बार। ठीक ठीक, हमारे पास भी सिरसा से पहले भी कई एक दो बार फोन आए। हाँ, ऐसे ही कैंसिल करना पड़ा। नाम क्या रख रखा है? नाम कुछ नहीं रखा जी, नाम नहीं रखा। हाँ, यह बड़ी कमी बहुत में लेके जाएंगे जी, मिल्किंग में इसको अगर ये चलती है तो मिल्क कंपटीशन इसका लड़वाएंगे। केला का कितना दूध दे देगी? ये दूध फुल देगी जी। कितना? ये मेले में पहले 3 में आएगी जी, कितना ही दो देख लो पक्का। आज लाइव वीडियो में कह रहे हो या बात है? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो, और पशु भी है वो भी दूध में अच्छे हैं, पर बात ये है कि वो उनका तसल्ली नहीं, भी मेले में जाके दूध दे ना दे। लेकिन इसकी तसल्ली है। हाँ, ये ठंडी बहुत है सब। ठीक ठीक ठीक, इसको बांध दो, अगला पशुधन ले आओ। अच्छा, तो ये सेल के लिए है बाबू जी? हाँ जी, सेल के लिए। गोल सिंह, चौड़ा पीठ पुट्ठा, प्योर जेड ब्लैक, 6 नंबर 6 नंबर पशुधन आप देखने लग रहे हैं भाई सेल के लिए। तो क्या डिटेल है बाबू जी, कौन सा ब्यात है इसका? अब दूसरे ब्यात में बच्चा देगी जी। दूसरे ब्यात में सच्चाई का है ना दूसरा? हाँ जी, सच्चाई का, पहले का बच्चा रहा। ठीक ठीक ठीक। हाँ, दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। कितना टाइम रहता है ब्याने का? इसका जी ब्याने का भी 7 तारीख को ब्याह। 7 तारीख को दिन पूरे हो जाएंगे। हाँ, कभी भी ब्याह जी? हाँ जी, आज 2 तारीख को, मतलब 4-5 दिन रह रहे हैं। हाँ, टाइम तो ऊपर लेगी जी, टाइम ऊपर ले होगी। ऊपर ले होगी। मदर मिल्क रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, मदर वो है जी 1 नंबर वाली जो रोशनी राज की। हाँ जी, रोशनी का ध्यान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रोशनी वैसे की है भाई बिल्कुल खुद से। और फादर लाइन की जी है उसकी, रोशनी की पहले ब्याह की यही है। रोशनी की पहले ब्याह की बच्ची है। और फादर लाइन की, फादर सम्राट थे मुकेरिया जी, सम्राट थे मुकेरिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक, ये मुकेरिया गांव है क्या? ये मुकेरिया गांव ही है साहब जी, हम तो मेले से सिम ले गए थे, वो गोल्लू भाई है उनसे। ठीक 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 ठीक। धारपुसा कैसा था पहले ब्यात में? बढ़िया था जी, 16 लीटर प्लस दूध है जी। एक दिक्कत है, गुड़ नहीं खाती जी। गुड़ नहीं खाती? हाँ, गुड़ नहीं। देखो भाई, ये होती है बढ़िया बात एक पशुपालक की, भाई साहब ने जमा सच्चाई बता दी भाई, जो कमी है देखो गुड़ नहीं खाती भाई। हाँ, क्लियर बात ये होगा, एक झूठ बोल के पशु बेचे उस पर का गलत सौदा नहीं होता, सच्चाई बोल के बता के दे दो देवेंद्र भाई, वह बात बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ, ताकि अगला पशुपालक कोई भाई ले हुए पशु ने तो उसका और कोई ट्रीटमेंट कर ले, मतलब गुड़ ना खाती कुछ और खिला ले। कुछ और खिलाए तो गुड़ खाती को नहीं। कौन सा? सम्राट बुल की बेटी है, सम्राट मुकेरिया की। और अपनी जो 1 नंबर में जोटी आपने दिखाई थी, पैसा अपन दिखाई थी, उसकी मदर साइड है। 16 से प्लस दूध दिया पहले ब्याह में, दिया 16 प्लस। दूसरे में केला का कितना दे देगी? उसमें जी मेरे को तो लगता है 20 पार करना चाहिए जी। 20 पार कर देगी। डाइट चार्ट बढ़िया बना रखा है? डाइट चार्ट साधारण है जी, घर का दाना देते हैं, घर का दाना। ठीक ठीक ठीक। अब की बार सिमन कौन सा रखवा रखा है? सिमन इसको अभिमन्यु का स्कोर खुआ जी। अच्छा, अभिमन्यु कहाँ का वाला था? अभिमन्यु, अभिमन्यु चौधरी वास का ही है जी। अभिमन्यु, हाँ, उसकी एक बच्ची आ रही है मेरे पास वाला चौधरी वास। हाँ, अभिमन्यु चौधरी वास वाले बुल का जो इसकी बार सिमन रखवा रखे। कितने में सेल करोगे इसका जी? अच्छा
प्राइज लेंगे 7 लाख रुपए जी। 7 लाख रुपए भाई आप सभी के सामने देख सकते हो, बहुत तगड़ा पशुधन है जिन्हें आप आगा अगर 7 लाख रुपए कीमत भाई साहब ने बताई। हाँ जी भाई कॉमेंट करते रहते हैं, चलो भी 70,000 में आ जाती है, आती भी है सारी बात है मार्केट में। हाँ। पर अपने पास उस तरह का सिस्टम नहीं है जी। अच्छा पशुधन हाँ जी, अच्छे दामों का है। हाँ जी अच्छे दूध लगा रखे जी, 20 साल हो गए मेरे को, 20 साल पशुधन में भाई साहब ने इस काम में हो गए। और पहली वीडियो बनने लगा जी, वीडियो पहली है, वीडियो पहली है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन हमारे समक्ष। तो 7 लाख रुपए कीमत जी। हाँ जी बिल्कुल, बांध दो बाबू जी। भाई साहब कटड़ा भी। हाँ जी हाँ जी, भैंस भी, झोटियां भी। हाँ जी कटड़े दो और थे जी, वो डेयरी फार्म में कोई मित्र बंधु को दे दिए जी। अच्छा, वो तो मैंने फ्री में दिए जी, इसको सेल करना है। इसको सेल करना है। हाँ जी। कितनी एज होगी बाबू जी? इसकी एज करीब 16-17 महीने, 17 महीने होगी जी। 17 महीने। हाँ जी। अरे इतनी तगड़ी ग्रोथ है। हाँ जी ग्रोथ बढ़िया है, चराई नॉर्मल है जी, इसकी ज्यादा स्पेशल चराई मैंने। प्योर जेड ब्लैक है। हाँ जी। मुर्रा। हाँ जी। जिना पका आगरा भाई, फादर लाइन के बाबू जी? फादर लाइन है M29 का कट्टा है जी, पंजाब से लेके आए थे अजय भाई के पास। अच्छा पंजाब से लेके आए। हाँ। थे M29 का, इधर ले आओ जी, M29 के पोता है वो, M29 का। हाँ, M29 का पोता। क्यों बाबू जी? हाँ जी M29 का पोता है जी। अच्छा कटड़ा भी रख रखे देवेंद्र भाई? हाँ कटड़ा सेल के लिए है जी, सेल के लिए है। तो हाँ फादर लाइन बताओ इसकी क्लियरली। फादर लाइन इसकी M29 का, इसका बाप है वो M29 का है। अच्छा, पंजाब से है, उसकी माँ है वो सुल्तानपुर की है जी। ठीक ठीक, इसका जो फादर है। हाँ जी। वो M29 का बेटा है। हाँ जी। ये M29 का पोता हो गया, सीधी सी बात हो गई, घुमा लो जी साथ साथ। ठीक ठीक, और मदर मिल्क रिकॉर्ड की बात करा तो जी, मदर पहले ब्याह का उसका है, सम्राट वाली का ही। कैमरा तेरे को उठा चल, नहीं उन्हें काबू में आवे आया M29 का तो पोता हो गया। हाँ जी ठीक है ना, क्योंकि इसका जो फादर है वो M29 का बेटा है भाई, और जो ये है ये डायरेक्ट क्रॉस है। हाँ डायरेक्ट क्रॉस का M29 के बच्चे का बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई। फादर मदर साइड से मैं बात, मदर ये रही साथ में खड़ी, दिखा दिया सम्राट मुकेरिया की है जी। अच्छा सम्राट मुकेरिया की सेल वाली। हाँ जी। दूध कितना? दूध 16 लीटर से प्लस ही दिया है, पहले में, दूसरे में आत्म ब्याह, दूसरे में अब भी आएगी। ठीक ठीक ठीक, जिस जोटी के अपन कितने रुपए पैसे मांगे थे? 7 लाख रुपए। जिस जोटी के 7 लाख रुपए मांगे हैं भाई वीडियो में, ये उसी जोटी का पहले ब्याह का, पहले ब्याह, दूसरे में ब्याह आएगी, सीधी सी बात है जी। क्या क्या कुछ कीमत होगी जी इसकी? जी नॉर्मली कीमत है 70,000 रुपए जी। 70,000 रुपये फिक्स रेट, 17 महीने का कटड़ा। हाँ जी बिल्कुल फिक्स। और भाई आप सभी के सामने है M29 के बेटे का बेटा। हाँ जी सीधी सी बात है, अगर मैं बताऊं। और ये जो वीडियो में आप मैच देखने लग रहे हो, जो वीडियो में आप लोगों को सेल में दिखाई है 7 लाख रुपए जिसकी कीमत भाई साहब ने मांगी है, उस जोटी के पहले ब्यात का है, 16 लीटर मतलब रिकॉर्ड का, दूसरे ब्यात में भाई साहब कह रहे हैं 20+ देवेगी। हाँ, देवेगी जी। तो फिर अपन भी कह इसका एक प्रकार से देवेंद्र भाई की 20+ का कटड़ा। देवेंद्र भाई कटड़े नगर कोई पंचायत लेने आती है तो उसके लिए भी 70,000 रुपए कीमत होगी जी? पंचायत अपनी मर्जी से दे देगी जी, मैंने तो पहले भी 2 फ्री में दे रखे हैं, जब भी दिए इसके साथ के थे, एक लाडले वाली का था, एक दूसरी भैंस का था। अच्छा अच्छा, किस पंचायत को दिए हैं वो? वो पंचायत को नहीं जी, डेयरी में ले गए हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ही दे दिए, मित्र बंधु है जी। कितने दिन के थे वे? वो जी एक तो 12 महीने के करीब दिया था, एक 6 महीने का। ठीक ठीक ठीक। तो भाई ऐसा अपना भाई देवेंद्र पुनिया, दो कटड़े और देखने लाग रहे हैं, पर दो छोटे बच्चे और बंद रहे हैं। बच्चे हैं, कटिया है जी। अच्छा ये कटड़ी और देखने लाग रहे हैं जी, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। हाँ कितनी क्या एज है इसकी? इसकी 6 महीने करीब हुई है जी। भाई साहब झूठ तो नहीं बोलते? हाँ जी ना, उसकी माँ खड़ी है अपने पास। 6 महीने की कटड़ी, इतनी बढ़िया ग्रोथ है। हाँ जी, हाँ जी। क्या फादर लाइन है? फादर लाइन अभिमन्यु जी चौधरी वास का, अभिमन्यु चौधरी वास वाला जी। अच्छा रिजल्ट मिला तो आगे दो सीमन और, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये आपको कटड़ी इसलिए दिखाई जा रही है अभिमन्यु चौधरी वास का, बढ़िया रिजल्ट दिखाने। हाँ रिजल्ट बढ़िया है जी, गलत तो नहीं कह रहा जी, जो बढ़िया होगा बढ़िया दिखाएंगे। जो बढ़िया है उसको बढ़िया बताना चाहिए, उसको बढ़िया बताने से कभी नहीं मुकरना चाहिए। चौड़ा पुट्ठा देख लो और भाई ग्रोथ देख लो, लमसम कितनी हाइट होगी पुनिया साहब? साढ़े तीन फुट के करीब हाइट जा रही है। अरे बताओ इज्जे की हुई है? हाँ जी हाँ। क्या डाइट चार्ट बना रखा है इसका? डाइट चार्ट बस जो भैंस को डालते हैं साथ में, ये खाते सेल की है? नहीं जी सेल की कोई लेन लाग जब ब्रीड तेरा करना तेरे नहीं, मेरे कोई चार नहीं, कटड़ी मेरे से नहीं दी जाती जी। कटड़ी रिश्तेदारी में भी नहीं दी जी। काटड़े दे दो फ्री में दिए हैं जी, बिल्कुल बहुत दिए हैं। बहुत अच्छा पशुपालक भाई है, नाम रखे इसका कुछ? नहीं जी नाम नहीं रखे। फिर इसका तो नाम रख दिया, चलो आप रख दिए जी। इसकी अगली वीडियो बनेगी ना जी भाई, इसका नाम रखा पाना चाहिए, हम तो यहाँ अपील करते हैं आपसे। तो भाई देवेंद्र भाई के पास पहुंचे थे, देवेंद्र जी पुनिया गांव रूपावास जिला सिरसा,
बहुत अच्छे पशुपालक, कई पशुधन आप लोगों को दिखाए हैं अच्छी क्वालिटी के, एक छुपे हुए पशुपालक भी आप जिनको कैश कहा, अच्छी अच्छी क्वालिटी के पशुधन जिसमें दो पशु सेल के लिए भी अवेलेबल हैं वो भी आप लोगों को दिखाए हैं। भाई साहब मोबाइल नंबर 98121 98121 14152 भाई का मोबाइल नंबर है। सिरसा से अपना गांव कितनी दूर है जी? 20-22 किलोमीटर के करीब है। किस रोड पर है? सिरसा से ये जमाल रोड कह लो, नोर। हाँ जी, सिरसा से जो नोर रोड जाता है उस रोड पर 20-22 किलोमीटर। हाँ जी, 20-22 किलोमीटर। तो भाई साहब का नंबर आप लोगों को बता दिया, जिस भाई को भाई साहब के पशुधन संबंध में जरूर आप लोग संपर्क करें, पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई अंदर राम राम भाई। राम राम आने दो जी। राम राम जी सारे भाई।